तुम ना होती तो जाने मेरा क्या होता। लो शुरू हो गया द मॉर्निंग सेशन। हर घर में सुबह होती है दिया अगरबत्ती चंदन की खुशबू से, और हमारे घर में सुबह होती है तुम्हारे एहसान मंद होने के भाषण से। तुम्हारी बातें सुन सुनकर मैं बोर हो गई हूँ। अब से हर सुबह तुम्हारे सामने आना हो तो मैं कान में रुई डालकर आऊंगी। लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो भी तो सच है ना। यू टेक केयर ऑफ मी सो वेल। ये जो ब्रेकफास्ट का इतना जबरदस्त इंतजाम, लंच, शॉपिंग, टाइमली मेडिकेशन, तुम न होती तो ये सब कौन करता नंदिता? नौकर चाकर करते। अब तो कई एजेंसीज खुल गई हैं, फोन करते ही आ जाएंगे। आई एम नॉट इंडिस्पेंसिबल नीना, ऐसा कोई महान काम नहीं कर रही मैं। 6 महीनों से कंटिन्यूसली तुम बस यही काम कर रही हो, कभी तुम्हें आराम करते हुए नहीं देखा। तुम्हें थकान नहीं होती? नहीं, थकान नहीं होती, अच्छा लगता है। थकान भरी जिंदगी तो मैं पीछे छोड़कर आई हूँ। उस घर में रोज सुबह बस एलिगेशन सुनने को मिलते थे, कोई गलती किए बिना ताने सुनने पड़ते थे। थक जाती थी मैं। Those days are over, नंदिता। अब तुम मेरे साथ रहती हो, ये तुम्हारा घर है, ये हमारा घर है। तुम जितना दिन चाहो यहाँ रह सकती हो, रहोगी ना? कितने दिन रह सकती हूँ बताओ तो? 1 महीना या 1 साल या फिर ये पूरी जिंदगी? देखती हूँ। क्या आप मिसेज नंदिता हैं? जी कहिए। प्लीज जरा इस पे साइन कर दीजिए। थैंक यू। इसे थोड़ा अंदर रख सकते हैं प्लीज? ओके, नो प्रॉब्लम। आइए। यहाँ रख दीजिए, टेबल पर रख दीजिए। थैंक यू। अच्छा, ओके मैम।